समस्त भाई भौनी को आमर ही नवम क्लास रो गोटे नुआ चैप्टर आम देखी पार्थिवा पावर पॉइंट ए क्लास को समस्त को स्वागत एटा आम ए क्लास रो पार्ट वन आज स्टार्ट करूचु जोटा कि धीरे धीरे पार्ट टू पार्ट थ्री प्रकार चलो। तो ये क्रम प्रथम आज फर्स्ट क्लास रे आम देखा जमें स्क्रीन रे देखी पार्थिवा तो प्रथम आम पावर पॉइंट रो ये जो पूरा सीरीज रे आमे पावर पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट वर्जन रो पावर पॉइंट सब अच्छे जी वर्जन सपोज तुम मन कर 2007 2010 2016 2019 ये प्रकार डिफरेंट डिफरेंट वर्जन रो सब पावर पॉइंट सब तैयारी है छी। तो इठे आमे जो डिस्कशन कर जो ये आमे 2016 को बेस करके सब पूरा प्रैक्टिकल सब करबा वो प्रैक्टिकल सब देखे तो से हिसाब से आम बही रे भी 16 आउ 19 को बेस करके पूरा टोटल बहीटा एवं अपडेट कराई जो मैंने पुर्णा बही सब रखी थे से पूरा 2000 से पावर पॉइंट थी जो बहुत पुर्णा तो बर्तमान एवं नुआ जो बही अच्छे से पूरा टोटाल कनसेप्ट को चेंज कर 2016 एंड 2019 हिसाब से टोटाल पूरा पावर पॉइंट को डिजाइन कराई तो से हिसाब से प्रथम आज हमें इंट्रोडक्शन देखिबा जेते हमें एटी देखि परतबा जे पावर पॉइंट इज अ पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस। तो एठी हमें ये पिंदुरा में बुझी परतु जे एमएस ऑफिस भितरे ही पावर पॉइंट आछ मन रहिता तो माने मार्केट रु पावर पॉइंट ना रे किछि सॉफ्टवेयर किनी परिबो नाही काल तमे जाईगिरी ने पावर पॉइंट मते दरकारी इट इज रॉन्ग लाइन तमे कोन कहबो तमको गुटे पावर एमएस ऑफिस दरकार। ओके एमएस माने कोन माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट हेलो कंपनी जे की ये पैकेज टा तैयारी कर जो मैंने एमएस ऑफिस से लाउड पैकेज तो से पैकेज भीतर ये पावर पॉइंट इज पार्ट ऑफ द एमएस ऑफिस पैकेज। तो सिंपल वे रे कहले एमएस ऑफिस भीतर पावर पॉइंट वर्ड एक्सेल तापरे हला एक्सेस एमएस एक्सेस एंति बहुत गुडा सॉफ्टवेयर मान को जोटा हम डे टू डे यूज कर छु से सॉफ्टवेयर मान को मिसे के ये माने कोन कर छथि गुडा पैकेज तैयारी कर छु तार ना दिया है ना एमएस ऑफिस बुझि पाबे तो से तार गोटे पार्ट फास्ट पार्ट आगे बुझी पार्थिवा। ओके इट इज ए प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स प्रोग्राम। ओके इतार अर्थ कौन देख तो ये माने जो एमएस ऑफिस भीतर जो सॉफ्टवेयर माने रखिले जेंति कि वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये समस्त सॉफ्टवेयर माने गोटे अलग अलग प्रकार कार्य थाय जेंति कि वर्ड वर्ड रो काम हैला ए वर्ड प्रोसेसर माने से खाली टाइप फाइप के सब काम हे पाइबो। एक्सेल से हला स्प्रेडशीट प्रोग्राम माने सेठी तो मैथमेटिकल एनालिसिस करि परबो या डेटा एनालिसिस डेटा स्टोरी ए प्रकार काम करि परबो। एमएस एक्सेस ए हां एमएस एक्सेस से पूरा टोटल डेटा एनालिसिस पर टोटल अछि सेठी मैथमेटिकल केते नि से सॉफ्टवेयर बैक एंड हिसाब यूज करे त माने सेटा पर बुझि परबो ठीक सेंति। पावर पॉइंट जोटा रहला इतर मेन काम है इट इज प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स प्रोग्राम अर्थात एठी हमें मेनली ग्राफिकली प्रेजेंटेशन माने तैयारी करि परबा ग्राफिक्स कोले एनिमेशन इमेज कलर ए समस्त को हमें ग्राफिक्स कोजु तो ए हिसाब रे हमें एठी तैयारी करि परबा माने प्रेजेंटेशन माने तो एठी प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स प्रोग्राम एटा कहा जाय एठी देखायला नेक्स्ट पॉइंट रे हमें से कथाटा के लिखाय छे जे वी कैन क्रिएट प्रेजेंटेशन स्लाइड यूजिंग ग्राफिकल एक्टिविटीज एंड आल्सो अप्लाई टेक्स्ट इन वेरियस फॉन्ट एंड स्टाइल एंड विथ एनिमेशन एंड साउंड तो ये सब विभिन्न जिनिस हमें पावर पॉइंट रे अप्लाई करी परिबा अर्थात पावर पॉइंट रे तैयारी होथिबा प्रेजेंटेशन। तो हमें नेक्स्ट पॉइंट से भी लिखा है प्रेजेंटेशन कौन स्लाइड पर हम ताको नेक्स्ट जी भी से तो ये जो प्रेजेंटेशन रे हमें ये सब देबा तो एबे हमर माइंड रे ये क्वेश्चन आसीबा दरके तारे प्रेजेंटेशन ता कौन सिंपल जदि तुमको बुझा जाए तुम जानि था प्रेजेंटेशन ना बड़ फाइल जोटा के प्रेजेंट कर सो जदि कि धर एबे ए क्लास रे तुमको पढ़ाऊ तो मुझे तुमको जहाँ पढ़ू देख गए प्रोजेक्टर भी सब बन प्रोजेक्टर देखा कि गोटे तैयारी पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को तो ये पावर पॉइंट रो काम है ये किसी प्रेजेंटिंग करने व्यवहार करा जाए जो, जो फाइल टा मुझे बनकर आनी फाइल टा ही मोर गोटे प्रेजेंटेशन सिंपल वे कहे फाइल टा को प्रेजेंटेशन कौच जोटा गोटे प्रोग्राम ए आम गोटे फाइल जोटा पावर पॉइंट रु तैयारी तो जी तुम वार्ड रोटे फाइल को आम डॉक्यूमेंट कौन तुम वार्ड रोटे फाइल तैयारी कर डॉक्यूमेंट कर एक्सेल रोटे फाइल तैयारी कर तुम कह
एक्सेल स्प्रेडशीट कहा जाए हला? तो ठीक सेंती एठी हमें जदि किछि फाइल तैयारी करबो ताको अब कहूछो प्रेजेंटेशन। ताले ये प्रेजेंटेशन कौन करो? तो प्रेजेंटेशन इज एन इंप्रेसिव वे ऑफ डिस्क्राइबिंग समथिंग टू द ऑडियंस। तो ये जो प्रेजेंटेशन माध्यम रे तमे जो गुड फाइल तैयारी करो जाको प्रेजेंटेशन कहूछो से फाइल रो मेन जेहेतु से गुड प्रेजेंटेशन से इट इज अ फाइल बट टेक्निकली से गुड प्रेजेंटेशन माने ताको हमें उपस्थापना को ताले सिंपल वे रे कहले प्रेजेंटेशन कहले हमें जहां अन्य मानक सहित माने उपस्थापना करू जो प्रेजेंटिंग करू जो ताको ही प्रेजेंटेशन कहले। तो से को आकार था गुड फाइल आकार था तो से फाइल भी प्रेजेंटेशन से हला। तो ये जो प्रेजेंटेशन द्वारा हमें किसी ऑडियंस मान को किसी डिस्क्राइब करू जो हमें ऑडियंस को ठीक से बुझे पाई छु। तो मन कर थोर किसी उड़ी गिर आसीला या किसी एनिमेटेड हि गिर आसीला जोटा ऑडियंस मान को ठीक सुंदर लागबो तो सेति पे हमें प्रेजेंटेशन रे ये सब जिनिस को सुंदर भाबे रे हमें तैयारी करि पाउ छु तो फाइल आकार ठीक अछि। देन ए प्रेजेंटेशन कैन बी मेड ऑन एनी टॉपिक और एनी सब्जेक्ट बढ़िया। तो जेतु हमें प्रेजेंटेशन रे गुटे टॉपिक आउ माने गुड विषय को नहीं करी हमें बनो एंदी नहीं मन इच्छा जहां तहां बने देले से किछ बुझा पड़ी। तो तुम जो भी पावर पॉइंट रे जो फाइल ला तैयारी करबो से फाइल ता निश्चित भाबरे गुटे पर्टिकुलर टॉपिक को बेस करी के से फाइल ता तैयारी करथ जोटा तुम गुटे प्रेजेंटेशन ओके। देन टू एक्सप्लेन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ए ग्रुप ऑफ स्लाइड आर यूज दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। तो सिंपल वे रे कहले प्रेजेंटेशन को हम आगुटे भाषा रे भी यदि कहि परबा ए ग्रुप ऑफ स्लाइड इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन अर्थात गुटे प्रेजेंटेशन रे बहुत गुटे स्लाइड को मिसे के रखा जाय। जदि हम ताको टेक्निकली बुझीबा देखो तमे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रे जेते हम गुटे फाइल रे बहुत गुटा पेज माने थे पेज 1 पेज 2 पेज 3 ठीक सेंती पावर पॉइंट रो जो गुटे फाइल जोटा का गुटे प्रेजेंटेशन कोचो से प्रेजेंटेशन रे मल्टीपल या सिंगल स्लाइड मान को लेकर तैयार दिबो मे बी गोटे स्लाइड हे पारे जदि तमे सब टोटल विषय वस्तु गोटे स्लाइड रे करि परछो भल कथा अदरवाइज तमे बहुत गुडा स्लाइड नै पारबो। एठी देखो एठी गोटे स्लाइड एटा गोटे स्क्रीन एटा गोटे स्लाइड मोट क्लिक कला परे आ गोटे पेज आसीबो से हमर आ गोटे स्लाइड। तो ए प्रकार मल्टीपल स्लाइड लेके हमें प्रेजेंटेशन तैयार या ताको ही हमें प्रेजेंटेशन को जो भी मल्टीपल स्लाइड मान को लेकर हमें ऑडियंस बीच उपस्थापना कर जो से फाइल को ही प्रेजेंटेशन का हो और हमें जहां टोटल उपस्थापना कर जो जो ठारे मल्टीपल स्लाइड माने रहु छी ताको प्रेजेंटेशन कहा जाए। तो सिंपल आई थिंक एठी बुझी पाथियो प्रेजेंटेशन का टेक्निकली को। तो वर्तमान हम आसीबा एठी आउट वर्ड आसीला स्लाइड। ताहिले स्लाइड को सिंपल वे रे कहले ये गोटे स्क्रीन ही गोटे स्लाइड मो तमन सामने जो पूरा स्क्रीन ता जो दिस छी ये गोटे स्लाइड हला। तो ये लिखा है से जिनिस ए स्लाइड इज जस्ट लाइक ए पेज ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट जदे मो बेटी के आगे पूछे ली से कथा रे पूछे। तो ठीक से वर्ड रे जदे पेज थाए हमर के पावर पॉइंट रे गोटे स्लाइड थी तो गोटे स्लाइड माने गोटे पेज नेक्स्ट स्लाइड आउट पेज नेक्स्ट स्लाइड आउट पेज ए प्रकार पेज बाय पेज या स्लाइड बाय स्लाइड हमें नेगरी गोटे पूरा प्रेजेंटेशन तैयारी करि परबा। नेक्स्ट पॉइंट सेटा भी लिखी छी ए प्रेजेंटेशन मेड अप ऑफ स्लाइड या स्लाइड के नेगरी प्रेजेंटेशन तैयारी देखिबो। नेक्स्ट हम देखिबा एडवांटेज ऑफ पावर पॉइंट। तो ये पावर पॉइंट माने करिबा द्वारा हम कोन सब एडवांटेज हमें पाउछु देखो प्रथम हैला पावर पॉइंट हेल्प टू क्रिएट ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन वेरी इजीली। देखो एठी पावर पॉइंट द्वारा हम बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन तैयारी करू केति गो एग्जांपल दउ छी तमन देखो आज को केते वर्ष तबे तमन जो एग्जीबिशन माने जो जाउथिला साइंस एग्जीबिशन बहुत गुडा भाई बहुनी जाई थी। देखो सेठी आगो हम कोन करथु हम गो पेपर मान करे चार्ट रे चित्र माने तैयारी करी ताको नेगिरी हमें जस्ट हुक करी करी देखो थिनु उपस्थापना कर थिनु। तो ए प्रकार हमें प्रेजेंटिंग कर थिला हमर गोटे विषय वस्तु को वैदिक गणित हे पारे विज्ञान रही पारे हमें ए प्रकार उपस्थापना कर थिनु किंतु इधर द्वारा कोन होतला एते सुंदर लागु नथिला हमें जो पिक्चर माने भी तैयारी कर जो यदि हमर आर्ट फॉल अछि तो बढ़िया करी करी पारे अदरवाइज हमर ड्राइंग माने भी खास लागु नथिला से पेपर भी ते फोल्ड हो जाय बहुत प्रकार प्रॉब्लम। तो ए सब जिनिस का वर्तमान देखी परथवा भाई बोनी माने जे इसो वर्तमान में पावर पॉइंट द्वारा कर दो हम जस्ट गोटे प्रोजेक्टर लगे दूचु पावर पॉइंट गोटे फाइल तैयारी कलु से फाइल रे सब स्लाइड मान रखीदल से बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर फोटो सब नहीं कर। तो ये सिंपल वे कहे आम बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन तैयारी कर पार ये फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड है वी कैन एड साउंड वीडियो एंड ग्राफिक्स टू द प्रेजेंटेशन या इनटू द प्रेजेंटेशन अर्थात से जो प्रेजेंटेशन भितरे आम सॉरी सॉरी हाँ तो हमें से जो प्रेजेंटेशन भितर आम कौन कर साउंड एड कर
ଅର୍ଥାତ୍ ଧର ମନେକର ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ଧର ବାଘର ସାଉଣ୍ଡ ତମେ ଆଣିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ତମେ ଖାଲି ଯଦି ଆମେ ଚାର୍ଟ ଟାଙ୍ଗି ଦେବା ୟା ଚାର୍ଟ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି ବାଘର ସାଉଣ୍ଡ ଆମେ ଆମେ କରିପାରିବାନି। ହଁ ମେ ବି ଆମେ ପାଟିରୁ କାଢିପାରିବା, ବଟ୍ ସେଇଟା ମେ ବି ରିଏଲିଷ୍ଟିକ ଲାଗି ନପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହବ, ତମେ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ନେଟ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଏଡ୍ କରିପାରିବ, ଯୋଉଟା ଆଉ ଟିକେ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ ଲାଗିବ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ସାଉଣ୍ଡ ଏଡ୍ କରିପାରିବା, ଭିଡ଼ିଓ ବି ତମେ ସାଇଡ଼ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନର ସାଇଡ଼ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏଡ୍ କରିକି ଚଲେଇ ପାରିବ, ହେଲା ଯେପରି ହେବ। ମୁଁ ଆକୁ ଦେଖେଇବି ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେ କରିକି ଦେଖିବୁ। ଆଉ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଦେଖ, ଏଠି ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କହିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ବୋଲେ ଆମେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଥ୍ରେ ଯୋଉ ଗ୍ରାଫ କରୁଛ ସେ ଟାଇପ୍ର ଭାବିବାନି, ଯୋଉ ବି ଚାର୍ଟ ମାନେ ତିଆରି କରିବେ। ଏଠି ଗ୍ରାଫ କହିଲେ କ'ଣ ରହିଥାଏ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯେବେ ବି ଆମେ ଗ୍ରାଫ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, ଗ୍ରାଫ ଅର୍ଥ ଏଠି ମାନେ ଇମେଜ କଲର ପିକ୍ଚର ଭିଡ଼ିଓ ଏସବୁ ଯାକକୁ ହିଁ ଆମେ ଟେକ୍ନିକାଲି ଗ୍ରାଫ କହୁଛୁ ୟା ଗ୍ରାଫିକ୍ସ, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଅର୍ଥ ସେଇଟା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଆସୁଛେ ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ବୁଝିବା, ନଟ୍ ଆୱାର ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଗ୍ରାଫ ହେଲା, ତାକୁ ବୁଝିବା। Then we can add animation and sound effect to the image and text presenting in the slide. তার অর্থ আমি যে টেক্সট মানে যে লিখি তাকে বি আমি সাউন্ড দেই পারিবা, আউ কিছু ইমেজ কু বি আমি সাউন্ড দেই পারি। অর্থাৎ ধর কিছু টেক্সট যেতে আসিব, মু যা যে সাউন্ড হেবে আসু, গোটে সাউন্ড আসু তারপরে টেক্সট আসু, ইয়া গোটে সাউন্ড আসু তারপরে গোটে ইমেজ আসু। তো এই প্রকার ইমেজ আর সাউন্ড কু বি আমি মানে ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ, ମାନେ ସେମାନେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଉପରକୁ ଆସିବେ ସେ ସମୟରେ ବି କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇପାରିବ, ଇଏ ବି ଆମେ ଏଠି କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ଭିୟୁଇଂ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଆଜ୍ ଏ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଶୋ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ପେପର ଟୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଯାହା ଦେଖୁଛି, ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ ପୁରା ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ତିଆରି କରୁଥିଲି ସେ ସମୟରେ ଏତେ ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ନଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ମୋଡ଼ରେ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଶୋ ମୋଡ଼। ସ୍ଲାଇଡ୍ ଶୋ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍କୁ ପୁରା ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ କରିବା ମୋଡ଼କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଶୋ ମୋଡ଼, ସ୍ଲାଇଡ୍ ଶୋ। ତ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍କୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଶୋ କରୁଛୁ, ବଡ଼ କରି ଦେଖାଉଛୁ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ବଡ଼ କରି ଦେଖେଇ ପାରିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରରେ, ଏଠି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରକୁ ଆମେ ଆଉ ବଡ଼ କରିପାରିବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଛୋଟିଆ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଏତେ ଛୋଟ ରଖୁଛେ, ଆଉ ବି ବଡ଼ ହେଇପାରିବ। ତ ଏ ବି କରିପାରିବା, ଅର୍ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ କରିପାରିବା, ଆମେ ପେପରରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ବି ତାକୁ ଆମେ କାଢିପାରିବା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ। ଓକେ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆସିବା ଯେ ଇନ୍ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ କଲେଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଦ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ୟୁଜ୍ ଆଜ୍ ଏ ଟିଚିଂ ଆପ୍। ତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଏଠି ଆମେ ତ ଏଠି ଆମେ ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେଇ କାମ ଏକା କରୁଛୁ। ଟିକେ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଯୋଉ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପଢ଼ଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ ଲେଖା ଆଣିକରି ମୁଁ ପଢ଼ଉଛୁ, ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିଚିଂ ଏଡ୍ ହେଲା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିଚିଂ ଏଡ୍। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ଅନ୍ୟ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲ ମାନେ ଅଛି, ସେମାନେ ବି ଏଇ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଆଉ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରାଇ ପାରିବେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଏଠି ଟିଚିଂ ଏଡ୍ ହିସାବରେ ବି ଟିଚର ମାନେ ଏ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ କାଢିବା କେମିତି କରି। ଦେଖ ଏ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଇଏ ପୁରା ଟୋଟାଲ ୱିଣ୍ଡୋଜ 10 ମନେ ରହିଥାଉ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଠି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବା ନାହିଁ, ବୁଝନ୍ ୱିଣ୍ଡୋଜ ଆଉ ଅଫିସ ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାନ୍ତି। ୱିଣ୍ଡୋଜ ହେଲା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉଟା ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଯିଏ ଚଲାଏ, ଯେମିତିକି ତମମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ମାନେ ଦେଖିଥିବ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ପାୱାର ବାଇ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଲେଖେ, ମାନେ ସେଟା ହେଲା ତାର ଓଏସ୍, ଓଏସ୍ ମାନେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ୱିଣ୍ଡୋଜ 10 କଥା କହୁଛି ସେଟା ହେଲା ଓଏସ୍ କଥା କହୁଛି, ୱିଣ୍ଡୋଜ ମାନେ ସେଟା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ, ଆମର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ହେଇପାରେ ଡେସ୍କଟପ୍ ହେଇପାରେ, ତାର ଓଏସ୍ ସେଟା ମାନେ ସେ ତାକୁ ଚଲାଏ। ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଏମ୍ଏସ୍ ଅଫିସର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ସେଟା ଆମେ 16 ୟା 19 ଇଏ ଭର୍ଜନଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ତ ସେ ହେଲା 16 ଅଫିସ 16, ବଟ୍ ୱିଣ୍ଡୋଜ ଯୋଉ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ତମେ ଦେଖୁଛ ଇଏ ହେଲା ୱିଣ୍ଡୋଜର 10, ସେଟା ହେଲା ଅଫିସ 16 ହେଲା ୱାର୍ଡ ଏକ୍ସେଲ ଯୋଉଟା, ସେ ହିସାବରେ ଆଗ ମୁଁ ସେ କନସେପ୍ଟଟା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି ହେଲା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ମେ ବି ତମମାନଙ୍କର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ୟା ତମମାନଙ୍କ ଡେସ୍କଟପ୍ ଯଦି ଅଲଗା ଭର୍ଜନ ଅଫ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଅଛି, ମନେକର 7 ଥାଏ ୟା 8 ଥାଏ, ତାହେଲେ ତମେ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍କ୍ରିନ୍ ମେ ବି ତମେ ସେଠି ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ୱିଣ୍ଡୋଜ 10 ହିସାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆମର ବହି ବି ସେଇ ହିସାବରେ ଅପଡେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ପୁରା ନୂଆ ବହିରେ ସବୁ ଅପଡେଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ହୋପ୍ ଟିକେ ତମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବ ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟକୁ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଖାଲି ସେତିକି ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କେମିତି କରିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବି ତାକୁ ଦେଖେଇବି।
तो प्रथम हमें स्टार्ट करिया पूर्व प्रथम हमें स्टार्ट बटन रे क्लिक करिबा देखो ई प्रकार एटा हला हमर विंडोज रो स्टार्ट बटन देखो इठी तले भी दिस छै ई जो ई हला हमर देखो इठी स्टार्ट बटन ई प्रकार स्टार्ट बटन ब्लू कलर रे आसे किछ किछ रे व्हाइट कलर भी आसे तो जैसे स्टार्ट बटन पर जनरली एटा व्हाइट हेता ओके आ ई जो देखु छ एटा हला सर्च बॉक्स इठी भी हमें किछ खोजी पारिबा ई टोटल बार जो तले टोटल बार देखु एटा कबे टास्क बार होछ हला मु आकु देखिबि त मानु छै तो तापर हम प्रथम से स्टार्ट करिबा देन हम ऑल ऐप खोजबा क्लिक करला पर ऑल ऐप आसी ओठी हम ऑल ऐप को पैक कर दे छु डायरेक्ट आसी तापर हम एठी पावर पॉइंट क्लिक करला जोडी ऑल ऐप गला पर एठी देखो पाछो पावर पॉइंट लेखा छि येलो कलर छि एठी हम जदि क्लिक करिबा हमको पावर पॉइंट आसी जइबो तो ए हला ऑप्शन ए माने हम की प्रक स्टार्ट ऑल ऐप भीतर पावर ये गुटे वे होछि सेकंड हैला बाय यूजिंग सर्च ऑप्शन सर्च खोजी करी करते अर्थात ये जो सर्च बॉक्स देती एठी हमें डायरेक्ट टाइप करी करी भी करी पाइबो आ एठी हमें सीधा डायरेक्ट टाइप कर देबा एठी हम सीधा काटी पाइबो हैला एंड देखि पर टाइप ऑन द सर्च बॉक्स एंड फ्रॉम द रिजल्ट एठी फिर पूरी रिजल्ट बाहरिबो पावर पॉइंट आसो एठी तमने क्लिक करू इठु भी हमें डायरेक्ट क्लिक करी पाइबा लिस्ट ठीक अछि देन ओके तो इतकी क्लिक कला परे जते हम पावर पॉइंट रे क्लिक करिबा तो ए प्रकार प्रथम हमको वेलकम स्क्रीन आसीबो पावर पॉइंट रो हला ये वेलकम स्क्रीन रे देखो इठी स्क्रीन को हम केते भाग रे भाग करिछु ये जो राइट जो पैनल अछि जो माने ये जो इठाला पावर पॉइंट रो स्टैंडर्ड कलर ए प्रकार कलर आसे इठी देखो ओपन अदर प्रेजेंटेशन छ अर्थात इठु हम यदि चूज करियो एसे कथा इठी लेखा छ डायरेक्ट बुझे दउ छु इठी जदि हम क्लिक करिबा तहा हम प्रेजेंटेशन गुड खोली पारे मतलब पूर्व रु तुम गोटे प्रेजेंटेशन तैयारी कर छो या फाइल गुड अछि ताकु तुम एठी ओपन करबो ए ऑप्शन के जाई करी एठी जति क्लिक करबो तुम गोटे ब्राउजर ओपन हेबो माने फाइल एक्सप्लोरर जोटा कहा जाय फाइल एक्सप्लोरिंग करिया पे सेठ तुम एटा ओपन करि पारिबो हला तो नेक्स्ट एठी ए जो साइड रे जोटा देला एटा सब टेम्पलेट्स माने ए सब पूर्व रु तैयारी हितबा टेम्पलेट्स माने हला एठी तुम गोटे टेम्पलेट बाछि करी निजर प्रेजेंटेशन तैयारी करि पारिबो और जदि तमे चाहछो तमे को टेम्पलेट टेम्पलेट माने कोन पूर्व रु तैयारी जो स्टाइल प्रेजेंटेशन का हम कहू छो टेम्पलेट से हिसाब रे था ताको हम खाली हमर ना सब लिखि के चेंज करू ताको हम टेम्पलेट कहू छो तो किंतु मु चाहछो ब्लैंक माने मु हिसाब रे पूरा टोटल प्रेजेंटेशन डिजाइन करबी सो हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन रे क्लिक करी परबा जो ठीक हम तैयारी कर पर ए प्रकार तापर हम टोटल पावर पॉइंट रो स्क्रीन ता बाहिरबो तो हम जेतु नेक्स्ट क्लास रे ही हम टोटल पावर पॉइंट को स्क्रीन को देखिबा तार पार्ट 1 को चिन्हिबा आ एठी ये विषय के हम प्रैक्टिकली देखिबा तो मैं खाली थ्योरेटिकली एति पर्यंत बुझे दिया है जे नेक्स्ट क्लास रे हम तार प्रैक्टिकली करी कर देखिबा ठीक अछि ओके धन्यवाद एति रहू।